दिल्ली में लगभग आधे केस ऐसे हैं जिन्हें कोरोना कहां से हुआ है ये पता नहीं चल पा रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि इसी को कम्युनिटी स्प्रेड कहा जाता है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार कम्युनिटी स्प्रेड की बात नहीं मान रही है। दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली सरकार के अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में कहा था कि कोविड के इलाज के लिए रिजर्व रहेगा, उसको एलजी साहब ने ख़त्म कर दिया है। कल रात से बहुत सारी फ़ोन्स मुझे आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई दिल्ली वालों का इलाज कहाँ पे होगा, दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे, पूरे देश में दुनिया से जो फ्लाइट्स आई थी दिल्ली और मुंबई दो जगह आई थी, और ये बीमारी हिंदुस्तान में नहीं थी, हिंदुस्तान में बाहर से आई थी, और जब फ्लाइट्स दिल्ली और मुंबई में आई, आज मुंबई में 50,000 केस हैं और दिल्ली में लगभग 30,000 केस हैं। आज मुंबई और दिल्ली के अंदर जो केसेज हैं उनका इलाज करने की जिम्मेदारी जैसे दिल्ली में है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, और उसी प्रपोर्शन में केस बढ़ रहे हैं। हम लोग लगभग 10 दिन पीछे हैं मुंबई से लगातार, और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 10 दिन में 50,000 पे पहुंच जाएंगे, तो हमारे को हज़ारों बेड और एक्स्ट्रा चाहिए कम्युनिटी स्प्रेड। कल रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर, उन्होंने कहा है, परंतु केंद्र सरकार ऑफिशियली शायद इसको नहीं मान रही अभी, एम्स के डायरेक्टर ने तो कहा है। कम्युनिटी स्प्रेड किसे कहते हैं? जब आपको कुछ लोग ऐसे मिलने स्टार्ट हो जाएं जिनका सोर्स ना पता लग रहा हो। अब कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सोर्स नहीं पता लग रहा कि उसको ये बीमारी कहाँ से मिली है। अब वो तो केंद्र सरकार मानेगी तभी होगा।